हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रसमलाई बनाएंगे। रसमलाई बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध, दूध को फुल क्रीम ही लेना है, 2 नींबू का रस, 1 कप चीनी, थोड़ी सी हल्दी, हम इसकी जगह केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पिस्ता कटे हुए, बादाम कटे हुए, काजू कटे हुए, चिरौंजी गोला कसा हुआ और हमने हरी इलायची पाउडर लिया है। अब हम पनीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध को उबालेंगे। अब मैं सबसे पहले गैस, अब मैं कढ़ाई में 1 लीटर दूध ऐड करूंगी। हम इसे 5 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे। दूध उबल चुका है, अब गैस लो कर देंगे। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, अब उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, चलाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद डालेंगे, एक साथ हमें नींबू का रस नहीं डालना है, हम इसे में विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम इसे 2-3 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध हमारा फटने लगा है, हम इसे थोड़ी देर और चलाएंगे। हम इसे ऐसे ही 2-3 मिनट चलाते रहेंगे, हमें लगातार चलाते रहना है, इससे हमारा पनीर बहुत अच्छा बनेगा। अब हम गैस कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए आधा घंटे के लिए रख देंगे। अब छेना ठंडा हो चुका है, अब हम इसे छानेंगे। अब हम इसमें जाली रखेंगे, इसमें हम कॉटन कपड़ा लेंगे, इसको छानेंगे। हम इसे चारों तरफ पकड़कर छान लेंगे, हल्का सा इसको निचोड़ेंगे। अब हम इसे पानी डालकर भी छानेंगे। इस छेने के रस को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ठंडा पानी और डालेंगे जिससे इसमें नींबू का जो रस है वो बिल्कुल ना रहे। इससे हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब हम इसे अच्छे से और निचोड़ देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा पनीर बना है, इसे अच्छे से हम साफ करेंगे। इसे हम एक बार और अच्छे से निचोड़ेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे जिससे इसका पानी अच्छे से निचोड़ जाए। अब छेने को 10 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा छेना रेडी है। ये जो छेने का पानी है ना, इसको हम दाल में भी डाल सकते हैं, कढ़ी में भी डाल सकते हैं और इसका हम आटा भी मल सकते हैं, ये बहुत पौष्टिक होता है।
अब हम इस छेने को 5 मिनट तक ऐसे ही हाथ से मलेंगे, स्मूथ बनाएंगे इसको, ताकि हमारी रसमलाई अच्छे से बने। अब हम गैस ऑन, अब हम इसमें 1 लीटर दूध गाढ़ा होने के लिए रखेंगे। हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, इसे हमें 5 मिनट ऐसे ही चलाना है। जब ये गाढ़ा होने लगे तब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। अब हम चीनी पानी का घोल बना लेते हैं, चीनी पानी की चाशनी बनाएंगे। इसमें हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। अब हमारी ये 1 कप चीनी है, चीनी को आप अपनी इच्छा अनुसार भी ले सकते हैं। जब इसमें उबाल आने लगे तो ये रेडी हो जाएगा। इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। रसमलाई बनाने के लिए छेना तैयार हो गया है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल हमें ऐसे बनानी है, इसको थोड़ा सा ऐसे दबाना है, बॉल में स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। सारी बॉल्स हम ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। रसमलाई बनाने के लिए बॉल्स रेडी हैं। अब हम दूध और चीनी की तरफ देखते हैं। अब दूध गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा केसर या हल्दी ऐड करेंगे। इससे इसका कलर अच्छा आता है। इसको डालने के बाद हम धीरे धीरे 1-2 मिनट चलाते रहेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए उबालेंगे। चीनी का घोल भी रेडी हो गया है। धीरे धीरे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इलायची पाउडर। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट डालें, ड्राई फ्रूट्स हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसे 2-3 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 2-3 मिनट चलाने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें रसमलाई ऐड करेंगे। चीनी पानी का घोल रेडी है। फिर धीरे हम सारी रसमलाई इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर बाद पलट देंगे। सारी रसमलाइयों को हम ऐसे पलट देंगे। Thank you.
हमारा रसमलाई वाला दूध बनकर रेडी है। अब हम इसमें थोड़ी स्वाद के अनुसार चीनी भी ऐड करेंगे, इसे हम थोड़ी देर और चलाएंगे। अब हमारी रसमलाई को 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए, अब ये खुल गई है, स्मूथ सी हो रही है, कितनी अच्छी रसमलाई बनी है। अब इसको हम ऐसे निचोड़ निचोड़ कर इसमें ऐड कर देंगे, इसका रस निकाल निकाल कर हम इसमें ऐड करेंगे। हमने सारी रसमलाइयों को दूध में ऐड कर दिया है। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। हम फ्रिज में रखकर भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये हमारा चीनी का घोल बचा है, ये हम इसको छान कर किसी भी यूज में ला सकते हैं। लीजिए, स्वादिष्ट रसमलाई बनकर रेडी है। मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। अब हम इसे खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।